We are live, okay? As-salatu wa-salamu alayka ya Rasulullah wa alayka wa sahabika ya Habibullah. I am Iqbal Contractor, live from New York. On my official page, Arshikane Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam of New York, USA. And I invite you all to listen to the most beautiful Ruhani program we have, you know, arranged for Yawme Viladate Hazrat Ala Hazrat Imam Ahmad Raza Khan Rahmatullah Alayhi. And today I have with me Al-Haj, our president of Masjid Khazra, Shah Kausar Chisti Sahib, and another guest is Al-Haj Muhammad Ashgar Chisti Sahib. He is considered to be a Hassan of America here. So, mashallah, I'm very happy to see you both here. Welcome to the program. तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम चिश्ती साहब, कैन यू हियर अस? वालेकुम अस्सलाम इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह बहुत खुशी हो रही है आपने ये बहुत ही मुबारक प्रोग्राम का इस्तेमाल किया है। जी जज़ाक अल्लाह हज़रत, आपको इसका अजर अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। मैं समझता हूँ नाज़रीन इकराम को मैं ये बताऊंगा कि ये बड़ी सआदत की बात है और हमेशा हम समझते हैं कि जिंदा कौमों की निशानी यही है, उनका शेवा यही होता है कि वो अपने बुजुर्गों को और असलाफ को याद रखें और बेशक बेशक उनका जिक्र करें और उनके जिक्र की जो बरकतें हैं वो हासिल करें और उनके हालात ज़िंदगी से और उनके हालात ज़िंदगी को हम अपने लिए मिसले राह बनाएँ और अपनी जब का इजहार करें। तो बड़ी सआदत की बात है, खुशी की बात है कि आपने इस प्रोग्राम का इस्तेमाल किया। आमीन जज़ाकअल्लाह, हाजिर को कबूल फरमाए। आमीन आमीन। मैं आप सबसे दोनों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी अभी इंशाल्लाह ये जो हज़रत लामा मुफ्ती अंसरुल कादरी साहब इंग्लैंड से भी ज्वाइंट होंगे 5-10 मिनट में इंशाल्लाह। तो उससे पहले हम प्रोग्राम की शुरुआत में हमदे बारी ताला की मैं हज़रत चिश्ती साहब आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अगर हमद पढ़ दें तो माशाल्लाह बहुत ही खुशी होगी। सुभान अल्लाह। मेरे खुदा रब्बुल उला, क्या हो बयान मौला तेरा। सुभान अल्लाह। हर दम पढ़ूं कलमा तेरा, हर दम पढ़ूं कलमा तेरा, आखिर मैं हूँ बंदा तेरा। मेरे खुदा मसजूद तू, मशहूद तू, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, है हर जगह मौजूद तू, है हर जगह मौजूद तू, है कूबकू चर्चा तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिस दिल में तेरी याद है वो दिल ही तो आबाद है। सुभान अल्लाह। जिस दिल में तेरी याद है वो दिल ही तो आबाद है, वो सर वकार दोष है, वो सर वकार दोष है, जिस सर में हो
सौदा तेरा सुभान अल्लाह माशाल्लाह। फूलों में है तेरी महक, तारों में है तेरी चमक, फूलों में है तेरी महक, तारों में है तेरी चमक, शम्सो कमर और रोज शब, शम्सो कमर और रोज शब, हर शय में है जलवा तेरा मेरे खुदा, तुझसे ही रबे दो जहां कौसर की है ये इल्तिजा। ये दुआ है, अल्लाह ताला हमारी कबूल करे, आमीन। सारे जो गम रखते हैं मौत से पहले वो बड़े कठिन करते हैं, बड़े सख्त होते हैं, उस वक्त अल्लाह ताला हम पे करम करे और जब हम दुनिया से जाएं तो कलमा हमारी दुआ पर, तो ये दुआ आमीन आमीन। तुझसे ही रब दो जहां कौशल की है ये इल्तिजा, जब इस जहां से कूच हो, जब इस जहां से कूच हो, होंठों पे हो कलमा, आमीन आमीन सुम्मा आमीन सुम्मा। जब इस जहां से कूच हो, तुझसे ही रबे दो जहां, सुभान अल्लाह हम सब की है ये इल्तिजा, जब इस जहां से कूच हो, होंठों पे हो कलमा तेरा मेरे खुदा, मेरे खुदा रब्बुल उला, सुभान अल्लाह हजरत माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत। मैं हमारे जो बहुत ही हरदिल अजीज, सबसे पहले तो हमारे पाकिस्तान के बरतानिया के नामवर मारूफ आलम दीन खतीब दिल नवाज मुबल्लिग और शेखुल हदीस हजरत अलामा मुफ्ती मोहम्मद अशरफ कादरी दामत बरकातहू को बरतानिया से जो हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, दिल की गहराइयों से उनको खुशामदीद कहता हूँ। और बड़ी खुशकुल बात है, बड़ी सआदत की बात है, खुशी की बात है कि आज हम वीडियो लिंक से आपकी ज़्यारत कर रहे हैं और बड़ी हमें मुशरफ और खुशी महसूस हो रही है। अल्लाह ताला आपको हम हमेशा हमारे साथ रखे, हमारा आपकी बात है उसके लिए आमीन आमीन, इसलिए आपको मदद है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे साथ रहे, आप किबला मुफ्ती साहब हमारे साथ शामिल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत चिश्ती साहब, आपकी गुफ्तगू बहुत अच्छी रही, आपका आपने बहुत अच्छे अल्फाज बोले, मैं आपका शुक्र गुजार हूँ। मैं तो खुद आपका मुश्ताक रहता हूँ, अल्लाह ताला ने आपको जिस तरह की आपको अल्लाह तबारक व ताला ने मर्तबा अता फरमाया है, तो माशाल्लाह आप शायर भी हैं, अहले सुन्नत के बहुत बड़े सरपरस्त भी हैं, मस्जिद की सदारत भी आपने संभाली अरसा दराज से, और दीन के खुदाम की सरपरस्ती भी हमेशा करते हैं। आज आपने जो हम पढ़ी अल्लाह की बारगाह में, आखिर में जो दुआया कलामात हुए हैं वो तो दिल हिला के रख दिया उन्होंने, मुझे खुद बहुत खुशी है। मैंने आपका कलाम सुना और अल्लाह ताला आपको और मोहतरम मुकाम जनाब भाई इकबाल साहब कंट्रेक्टर को खुश खुरम फरमाए, आमीन आमीन। उसके साथ साथ हमारे महबूब और हरदिल अजीज सना खान भी साथ हैं, जनाब असगर चिश्ती साहब, अल्लाह ताला उनको भी खुश खुरम फरमाए, आमीन। शुक्रिया आपका, मैं आपका शुक्रगुजार।
जी हजरत मुनासिब समझे थोड़ा सा मैं तारुफ करा दूं। जी हाँ हजरत प्लीज। नाज़रीन इकराम, मैं समझता हूँ कि क़िबला मुफ्ती साहब की शख्सियत जो है वो काबिले कोई किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। नाज़रीन इकराम में से अक्सर हजरात आपकी शख्सियत से वाकिफ हैं और जानते हैं आपको, और मेरा भी आपसे बड़ा मुद्दत दराज से आपका वास्ता आपसे ताल्लुक है, और हमारे लिए बड़ी ये सादत की बात है कि आज हमारे साथ शामिल हैं। माशाल्लाह मुफ्ती साहब जो है उनका अंदाज़े खिताबत और बयान जो है अपना उनका अंदाज है और बेशक बयान होता है नहायत ही मुअस्सर और पुरतासीर होता है। अल्लाह ताला ने आपको ये नेमत बख्शी है खिताबत जिसका जिससे हम मुतमिन होते रहते हैं, और मैं समझता हूँ कि बयान में जब अलामा साहब कुरान हदीस के ज़राए के साथ और अपने बयान को मुअस्सर करते हैं और अपने दलाए और अपने कुरान हदीस के ज़राए से जो अपने खास कर के अपने जो अपना बयान है और अंदाज़े खिताबत और जिस तरह अल्फाज का चुनाव होता है और जिस अंदाज से भी अपने बात को बयान करते हैं वो नहायत ही काबिल तहसीन है। अल्लाह पाक ने आपको कई औसाफ़ मासिल से जो है वो नवाजा है, तो उसमें एक बात मैं समझता हूँ कि आपकी मैं खुशियत आपको मिलता हूँ, आपको इसके बड़ा महारत है कि आप बहुत मुश्किल से मुश्किल बात बड़े सादा बात में आसान तरीके से लोगों को सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। और ये बात जो है जो हर आदमी को हर हकीक को हासिल नहीं है, और एक और बात मैं समझता हूँ कि अल्लाह पाक ने जो आपको वो एक खसूसियत बख्शी है वो आपका शानदार हाफ़िज़ा है सुभान अल्लाह। मैंने बहुत कम उलमा को जो हदीस मुबारक ईमान बहुत जो तवील हदीस होती हैं उनको नहाय रवानी और तवातुर से बयान करते हैं, और आप हदीस का बयान ऐसा करते हैं जैसे कुरान की जो है तलावत की जा सकती है, इसमें एक रवानी होती है और ये एक खास बात आपकी जो इस अल्लाह ताला ने आपको बता पाई है। और एक और बात समझता हूँ कि जब आप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत और मोहब्बत की बात करते हैं तो उसमें उस बयान में और उस बात में आप ये इंतहा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत और मोहब्बत की खुशबू आती है सुभान अल्लाह। एक बात है कि आपकी और क्योंकि अल्लाह आपका जो है वो अदब और शायरी से भी आपका माशाल्लाह बड़ा अच्छा ताल्लुक है, मोहब्बत है, इस वजह से अपने आप अपने बयान को अपने अंदाज को नहायत खूबसूरत अंदाज से बयान करते हैं, और ये एक ऐसी बात है जो लोगों के दिलों में बैठ जाती है। अब मैं एक बात और आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे क़िबला मुफ्ती साहब न सिर्फ अपने तकारीर और बयान से लोगों के दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर करते हैं, बल्कि आपने तहरीर में भी आपकी कई जो है बुक्स आ चुकी हैं जिन पर हमें मुख्तर की गई और बस भी बल्कि आप दीन की खिदमत भी कर रहे हैं और बहुत प्रैक्टिकली आप कर रहे हैं, और वो इस तरह क्या है आपके जेर एहतमाम इत्माम और आपकी निगरानी में पाकिस्तान में एक अजीम मदरसा काम कर रहा है जिसमें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह और वो क्यों और इस तरह से इनका जो है वो हमारी आने वाली जनरेशन के लिए उसके लिए भी आपके दिल बड़ा दर्द है ख्याल है, इसी वजह से आपने अजीम मदरसा काम किया है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा दीनी काम है, बहुत बड़ी आपकी कंट्रीब्यूशन है सुभान अल्लाह ताला आपका इसको आमीन आमीन और अमरीका और
जज़ाकअल्लाह चिश्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत, आपने बहुत ही अच्छा तारुफ कराया। वैसे हज़रत कोई अपने माशाल्लाह ये जो पूरे वर्ल्ड वाइड ही इज़ वेल नोन एंड आई ऑलवेज वॉच हिम ऑन लाइक यू यूज्ड टू वॉच हिम ऑन नूर टीवी पाकिस्तान अरे सॉरी इंग्लैंड में भी और आला हज़रत के प्रोग्राम्स में भी बहुत सारे प्रोग्रामों में भी इनको जब यूके में भी होते हैं तो हम लोग देखते रहते हैं। और आप सच ऑनेस्टली हम बोलते हैं कि आई एम वेरी रियली मिस यू हज़रत आपको यहाँ पर, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फिर मुलाकात होगी, हम वहाँ पे आ जाएंगे आपको मिलने के लिए इंशाल्लाह। तो मैं भी उसी तरह महसूस करता हूँ और उसके साथ साथ ये गुजारिश है कि चीज़ साहब ने तारुफ में बहुत शफकत फरमाई है और मैं किसी काबिल नहीं हूँ, ये उनकी मोहब्बत है, ये उनका प्यार है। और चीज़ी साहब का अपना तारुफ ये है कि चीज़ी साहब अहले सुन्नत के सरपरस्त हैं, सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह, खिदमत में गुजरी और खुद ये बेलौस आदमी है, किसी किस्म का इस तरह का मामला नहीं, माशाल्लाह उलमा की सरपरस्ती करते हैं, दीन के खुदाम से हमेशा इनकी शफकत होती है, सुभानअल्लाह। मैं फकीर भी अमेरिका में जब गया हूँ तो इनकी दावत में गया था, माशाल्लाह, जितना अरसा रहा हूँ इनके इनके वीजे पे रहा हूँ, सुभानअल्लाह, इनकी मैं इनका ही उधर इनकी सरपरस्ती में मैंने काम किया, जी जज़ाकअल्लाह हज़रत आपने यहाँ हम सब हमारे साथ ज्वाइन किया। मैं रिक्वेस्ट करूँगा अगर आपको मैं दो एक दो नात चिश्ती साहब अपने हमारे हज़रत चिश्ती साहब हमारे साथ ज्वाइन हैं हज़रत, तो मैं अगर आप फिर इजाज़त दें तो उनसे भी मैं नाते हैं और एक दो नात माशाल्लाह मुख्तसर सी, क्या बात है उनकी, क्या उनका अंदाज है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की जान होते हैं वो माशाल्लाह। जी 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 हजरत हसन है अमेरिका है ये, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और मेरे भाई कौसर चिश्ती साहब उनका भी शुक्रगुजार हूँ। तो ये दराज से हमारे आवाज आ रही है, आवाज कम आ रही है, अच्छा अभी ठीक होगी, अब देखते हैं, हाँ अभी सही है जी। तो उस वक्त से अभी तक हम माशाल्लाह दिन तो अच्छा काम करते हैं, महफिल करा भी अदारा को बिल्कुल सलाम और मस्जिद और मुफ्ती अदी साहब पूरी दुनिया में मशहूर बेशक इल्मी शख्सियत है। तो मैं पीछे खिदमत है जैसे कि आपने आज रखा हुआ प्रोग्राम आला हजरत रहमतुल्लाहि अलैह से और थोड़ी ज़्यादा होती है आवाज़ थोड़ी और बढ़ सकती आवाज़ जी जी एक मिनट मुंह पे ले लो माइक ये ले लो स्पीकर ले लो स्पीकर स्पीकर सही है स्पीकर को, हाँ बस ले लो जज़ाकअल्लाह थैंक यू। तो आप हाँ आप मन का पति या ना जो भी आप बनाना सुनने सुना सुना यू नो शुरुआत कर दीजिए, हमारे बड़े हम पे तारीख वाला पढ़ लिए तो मैं नाथ पढ़ तो उसके बाद जी जी इंशाल्लाह। और ये जो मैं पढ़ने लगा हूँ अल हज़रत रहमतुल्लाह का कलाम, ये कलाम की मैंने गुजरात में जब भी मुकाबला बैंक जनरल का हुआ है फर्स्ट ट्राई लिया है और डिवीजन की तरफ से भी फिर इस नाथ पाकिस्तान मुकाबला सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह 1984 में लड़काना में कुल पाकिस्तान मुकाबला हुआ था, मुझे गुरु कनैन शाह साहब ने पंजाब से सेलेक्ट करके भेजा था 1984 में, मैंने वहाँ से भी इस नात की जज़ाकअल्लाह इस नात की फैद से फर्स्ट प्राइज लिया, सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। आ
वो कमाल हुसैन हजूर है, सुभान अल्लाह, कमाल नाथ से जहां सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वो कमाल हुसैन हजूर है के गुमाने यही खून तार से दूर है, सुभान अल्लाह, चम्मा है के दुआ नहीं, सुभान अल्लाह, तेरे आप यू है तके लाचे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, है दबे लाचे बड़े कोई जाने मुँह में जुबान की नहीं बल्कि जिस्म में जाओ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, करूँ तेरे नाम पे जाफिदा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नमस्ते दो जहां फिदा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, दो जहां नहीं जी बरा, दो जहां नहीं जी बरा, करो क्या करो जहां है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नहीं वो हिला रखा मकी हुए सर अर्श तख्त हुए, वो नबी है जिनके है ये मकाम, वो खुदा है जिसका मकान नहीं, सुभान अल्लाह, अहले दुबुर पड़े इस बला में मेरी बला, अपने करीम का सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अपने करीम का मैं गदा हूँ, अपने करीम का मेरा दीन पा नहीं, मैं गदा हूँ अपने करीम, सुभान अल्लाह,
तुमने प्यार ऐसा खुद बीच में थे और खुद कहे मंगते का भला हो मैं गदा हो अपने करीम मंगता तो है मंगता कोई शाह मैं दिखा दो जिसको मेरी सरकार से टुकड़ा न मिला हो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हो अपने करीम जिधर जिधर भी गए वो करम ही करते गए न मांगो तो झोल भरते गए मैं गदा हूँ अपने करीम का मेरा दीन पा ना नहीं सुभान अल्लाह हुसैन हजूर है के गुमान जहाँ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह से दूर है यही शम्मा है के दुआन सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह हम जज़ाकअल्लाह हज़रत चीज़ साहब आपने माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत कलाम पढ़ा अल्लाह पाक आपको इसकी जज़ा दे और जिस तरह से आप न्यूयॉर्क की महफिलें यू नो की रौनक बने हुए हैं इसी तरह पूरी यू नो अमेरिका की पूरी महफिलों में भी आप ही यू नो वहाँ पर बस माशाल्लाह और मैं हज़रत चिश्ती साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि लगता है कि थोड़ा प्रॉब्लम है उनके कनेक्शंस में तो ही विल बी बैक राइट अवे पर उससे पहले आप सभी नाच सुन लें तो अच्छा रहेगा जी जी उनके ज्वाइंट होने से पहले ठीक है वो चिश्ती साहब आप नाच पढ़ेंगे नाच नाच शरीफ सुनाएंगे वो क्योंकि अभी ना अल्लामा साहब के कनेक्शन में प्रॉब्लम हाँ हाँ जी जी सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह हर लम्हा मेरे दिल में बसी याद नबी है तस्वीर मदीना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह में सजी है मंगता हूँ मैं अल्लाह के महबूब नबी का इस चीज की सरकार की मंगते को कमी है हर एक को हासिल नहीं इस दर की हजूरे सरकार बुलाते हैं जिसे आता वही है बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह है अपना बता कौसर न आलम की खबर कुछ हर कोई है वारफ्ता ये शहर नबी है है वारफ्ता ये शहर नबी है जिक्र नबी सुभान अल्लाह शहादत मिले अपने आका का मैं नात कहाँ हो गया सुभान अल्लाह जिक्र
नबी की सादत में अपने आका का मैं नात खान हो गया। मेरे अल्फाज को चाची मिल गई, मेरे अल्फाज को चाशनी मिल गई। मुसना चीज भी खुश बयां हो गया। उनके दर की गुलामी मेरी शान है, उनकी निस्बत ही बस मेरी पहचान है। उनकी निस्बत ही बस मेरी पहचान है। तौके गुलामी मेरी साथ का मोहतबर तक चमकता निशान हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तौके गुलामी मेरी जात का मोहतबर एक चमकता निशान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शाहे कौनैन है मुन से बेकसान। सुभान अल्लाह। उनका लुत्फ और करम मिसले सुभान अल्लाह रवा। उनका लुत्फ और करम मिसले सैले रवा। बज़्म हस्ती में थी मेरी हस्ती आया यहाँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हस्ती में थी मेरी हस्ती यहाँ। फैज सरकार से मैं आया हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फैज सरकार से मैं आया हो गया। तीरी का बसेरा था एहसास पर और पेचीदा था जिंदगी का सफर। तीरगी का बसेरा था एहसास पर और पेचीदा था जिंदगी का सफर। सुभान अल्लाह। उनका नक्शे कदम सुभान अल्लाह। उनका नक्शे कदम जब बना राहबर। उनका नक्शे कदम जब बना राहबर खुद ब खुद रास्ता जो खुशान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हो गया सुभान अल्लाह। खुद रास्ता जो खुशान हो गया। उनको रब ने बनाया है मुख्तार कुल बेशक। सुभान अल्लाह। सदके में मिलता है मुश्किल का हल। उनके सदके में मिलता है मुश्किल का हल। सुभान अल्लाह। जगे बन गई रश्के सदगुलस्तां। वो जगे बन गई रश्के सदगुलस्तां। उनकी रहमत का साया जहां हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनकी रहमत का साया जहां हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे सर पे है किसिया का कोहे गरा। अपने हालात कैसे करूं मैं बयां। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे सर पर है इसियां का कोहे गरा। अपने हालात कैसे करूं मैं बयां। मेरी आंखों का कौसर ये अश्के रवां। मेरी आंखों का कौसर ये अश्के रवा। मेरे जज्बात का तर्जुमान हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे
मेरे जज्बात का तर्जुमान हो गया, मेरी आंखों का कौसर ये अश्के रवां, मेरे जज्बात का सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत मैं अभी जैसे सब मैं अभी नबी की सादत मिली अपने आका का मैं नात खान हो गया। हाँ जजाक अल्लाह हजरत आमीन जजाक अल्लाह। मैं अभी अब गुजारिश करूंगा हजरत जो अपने साथ में इंग्लैंड से ज्वाइन हुए हैं भी उनके यहाँ 11:30-12 बजने आए हैं एंड इट्स टाइम फॉर हिम टू रेस्ट, सो आई विल आस्क हिम टू यू नो जस्ट गो अहेड एंड यू नो जो अपना आज के जो जिस हाँ हजरत आप भी कह दें कि क्या आज का प्रोग्राम वाई भी है। أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه فقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان فمن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون سبحان الله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الله سبحان الله محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله سبحان الله معزز و محترم ناظرین و سامعین آج کا یہ عظیم الشان اور پروقار اور روح پرور پروگرام امام اہل سنت مجدد دین و ملت سراج الامت چراغ معرفت پروانہ شمع رسالت اشیاء امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ فقدس سرہ العزیز کی ذات بابرکات کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے اور اس کے میزبان مکرم پیکر اخلاص و محبت کشتہ عشق مصطفیٰ محترم المقام جناب بھائی محمد اقبال کنٹریکٹر صاحب اور آج کی تقریب کے سرپرست اعلیٰ شاعر اہل سنت انتہائی مشفق و مہربان جو اہل سنت کی ہمیشہ سرپرستی فرماتے رہتے ہیں محترم المقام جناب الحاج بوسر چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، پر ابھی چند لمحے پہلے آپ نے محترم المقام جناب اصغر چشتی صاحب کی خوبصورت آواز میں امام اہل سنت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کا کلام بھی سماعت فرمایا ہے سبحان اللہ، کیونکہ یہ شوال المکرم کا بابرکت اور مقدس مہینہ ہے
इस मुबारक और मुकद्दस महीने की 10 तारीख को 1272 हिजरी में सुभान अल्लाह इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह तआला अलैह की पैदाइश मुबारक हुई है। तो आपके विलादत बासआदत की खुशी में इस वक्त पूरे बर्रे सगीर में बल्कि पूरे आलम में इस्लाम में इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह की याद में बाकायदा अहले सुन्नत के तमाम हलकों में आपकी ज़ात अक़दस को खराज तहसीन पेश करने के लिए और आपके कारहाए नुमाया को बयान करने के लिए और आपकी शख्सियत के जो गोशे हैं उनसे उनके मानने वालों को रोशनास कराने के लिए बाकायदा महफ़िल का अहतमाम होता है। सुभान अल्लाह। आज की तकरीब भी उसी सिलसिले की एक अजीम शान कड़ी है जिसके दाई और जिसके अंदर जिसकी तहरीक देने वाले खास तौर पर हमारे भाई मोहम्मद इकबाल कॉन्ट्रैक्टर साहब सरजमीन है न्यूयॉर्क अमेरिका से, उनके हुक्म पर मुझे भी आप लोगों की खिदमत आलिया में हाजिर होने का शर्फ और एजाज हासिल हो रहा है। तो अभी चंद लम्हात पहले मेरे मुतल्लिक हज़रत चीसी साहब ने भी कुछ कलमात अरशाद फरमाए थे तो जिसमें उन्होंने बहुत मुबालगा फरमाया, ये उनका हुस्न ज़न ज़रूर हो सकता है लेकिन हकीकत यह है कि मैं अपने आप को किसी एक लकब के और किसी एक मर्तबे के भी काबिल नहीं समझता। अल्लाह तबारक व ताला अहले सुन्नत को हमेशा सुरखुरु फरमाए। आमीन। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह ताला अलैह के विसाल मुबारक को भी करीब करीब 100 बरस से जायद हो चुके हैं क्योंकि 1340 हिजरी में सफरुल मुजफ्फर के मुकद्दस महीने में 25 तारीख को जुमातुल मुबारक के दिन में आपने विसाल फरमाया। 100 साल गुजर जाने के बाद भी आज भी ऐसा लगता है कि इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह ताला अलैह रूहानी एतबार से जिंदा है। बेशक और नजरिया अहले सुन्नत में जो अल्लाह के बरगुदीदा बंदे होते हैं वो दाई अजल को लब्बैक जरूर कहते हैं, वो इस जहान फानी से पर्दा जरूर करते हैं लेकिन हकीकत यह है कि मौत उनको मारती नहीं है बेशक बल्कि मौत उनके लिए पुल का काम करता है। और पुल क्या करता है? इधर वाले यार को उधर वाले यार से मिलाने के काम आता है। जो बड़ी मशहूर और मारूफ हदीस है कि मौत जसर यूसिल हबीब इलल हबीब, मौत एक पुल है इसका काम यह है कि इधर वाले यार को उधर वाले यार से मलाने के काम आता है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बड़ी मशहूर और मारूफ हदीस है कि इदा मातल मोमिनु युखल्ला सर्बहु यसरहु हैसु शा, जब बंदा मोमिन इंतकाल करता है तो उसकी राहें खोल दी जाती हैं और जमीन व आसमान की वसतों में वो जहां जाना चाहे उसको जाने की इजाजत दी जाती है। सुभान अल्लाह। तो मैं ये समझता हूँ और ये हकीकत है कि इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह ताला अलैह उन हस्तियों में से हैं जो रूहानी एतबार से आज भी उसी तरह जिंदा है बल्कि जिंदा रहे। एक और बड़ी मशहूर और मारूफ हदीस है या किसी सहाबी का कौल है उसको भी हदीस का दर्जा हासिल है, फरमाते इन नफूसल कुदसिया इदा तजर्रद अनिल अलाइकिल बदनिया इत्तसलत बिल मलाइल आला, फरमाया के पाकीदा जाने जब अपने जिस्मों से जुदा होती हैं तो जिस्मों से अपने बदनों से जुदा होते ही मलाइल आला से मला दी जाती है। इदा तजर्रद अनिल अलाइकिल बदनिया इत्तसलत बिल मलाइल आला
और फिर उनका हाल क्या होता है, बतराब तस्मुल कुल कल मुशाहिद, हर बादत विसाल भी उसी तरह देखती हैं, उसी तरह सुनती हैं जिस तरह अपनी जिंदगी में देखा करती थी और सुना करती थी। सुभान अल्लाह। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह भी उन्हीं हस्तियों में से। फिर आला हजरत ने खुद ही ये फतावा अजीजिया से हजरत अब्दुल शाह अब्दुल अजीज मुहद्दस दिल्ली का एक फरमान नकल किया है, फरमाते कि रूह रा कुर्बो बोदे मकानी यकसान अस, रूह के लिए मकान का कुर्ब हो या दूरी हो, दूरी या नजदीकी उसके लिए यकसा हैसियत रखता है, उसको कहीं आने जाने में बाद साल किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश नहीं आती। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात उसी तरह तरोताजा हैं जिस तरह उनकी जिंदगी में तरोताजा थी। मैं तो समझता हूँ जू जू वक्त गुजरता जा रहा है इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह का दिया हुआ सबक जो है वो ताजा होता जा रहा है। सुभान अल्लाह। उनकी अफादियत पहले से भी बढ़ती जा रही है। सुभान अल्लाह। उसकी मकबूलियत हर आने वाले दिन में रोज अफजू हो रही है। सुभान अल्लाह। मकबूलियत उसकी शोहरत हर आने वाली घड़ी के अंदर औज पर जा रही है, तरक्की। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अरबी जुबान का एक शेर मुझे याद आता है जी सर, मैं वो इमाम अहले सुन्नत के लिए पेश करना चाहता हूँ। बड़ा खूबसूरत किसी ने कहा है, अभी चीसी साहब ने भी बहुत खूबसूरत अशार पढ़े और हमदे खुदा पढ़ी फिर नाते मुस्तफ़ा पढ़ी, तो उससे इनका भी अंदाजा होता था कि किस कदर बड़े ये शायर हैं खुद। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेशक। और उनका मर्तबा अता फरमाए। आमीन। आला हजरत को वो शेर पढ़ने से पहले मुझे एक और बात याद आई कि इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह तआला अलैह की शख्सियत को जिस रुख से भी देखें वो उसी रुख में अल्लाह तबारक व तआला के करम से मालामाल नजर आता। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कलम जिस रुख में उठता है, उनका कलम जिस तर्ज पे चलता है, ऐसा लगता है सुभान अल्लाह हर शोबे में जो दीन के लिए करते हैं ताई सुभान अल्लाह को हासिल है। सुभान अल्लाह। तो आपकी शख्सियत आप खुद अपनी जात में एक अंजुमन की हैसियत रखते हैं। सुभान अल्लाह। आप फरहा शख्स थे लेकिन पूरा जहान अपने अपने दामन में समोए हुए थे। सुभान अल्लाह। मशहूर शेर है अरबी जुबान का जिसमें कहा गया कि लैस अलल्लाह बिमुस्तनकरिन अन यजमअल आलम फी वाहिदी, अल्लाह तबारक व तआला से इस बात का इनकार नहीं किया जा सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो पूरे जहान को एक बंदे में जमा फरमा दे। सुभान अल्लाह। जुबान वालों ने इसका तर्जमा किया है कि खुदा से इसका अचंबा न जान कि जमा हुआ एक शख्स में सब जहान। जब हम आला हजरत की शख्सियत का जायजा लेते हैं हमें उनमें सब जहान समोया हुआ नजर आता है। उनको फकीह की हैसियत से देखें, उनको मुहद्दिस की हैसियत से देखें, उनको मुफसर की हैसियत से देखें, उनको मंतकी की हैसियत से देखें, उनको फलसफी की हैसियत से देखें, सुभान अल्लाह, उनको मुनादिर की हैसियत से देखें, सुभान अल्लाह, उनको एक आरिफ कामिल की हैसियत से देखें, उनको एक आलम रब्बानी की हैसियत से देखें, सुभान अल्लाह, उनको एक शायर की हैसियत से देखें, सुभान अल्लाह, उनको एक अदीब की हैसियत से देखें, उनको एक उस्ताद की हैसियत से देखें, सुभान अल्लाह, उनको एक मुसलह की हैसियत से देखें, उनको एक मुज्तहिद की हैसियत से देखें, सुभान अल्लाह, उनको एक मुजद्दद की हैसियत से देखें, सुभान अल्लाह, हर मैदान के अंदर जो है वो औज पे नजर आते हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और जमाने के अंदर जितने भी मैंने तस्करे किए हैं इस रुख के बंदे बेशुमार आए अल्लाह की कायनात है उसकी चलती रहेगी बेशक, लेकिन जो मर्तबा इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा को हासिल हुआ है सुभान अल्लाह ने उनको अता की है बेशक उन्हीं का हिस्सा है बेशक। वो जो मैं कह रहा था कि शेर में उनकी नजर करना चाहता हूँ वो बड़ा खूबसूरत शेर किसी ने कहा है और इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा की जात पे पूरा उतरता है। सुभान अल्लाह। किसी ने कहा है कम ती में यफूहू वला कमिस कम तैरन यतीरू वला कबा, कहते जमाने के अंदर खुशबुएं बहुत फैली हैं। सुभान अल्लाह। जमाने के अंदर खुशबुएं बहुत फैली हैं, बहुत खुशबुएं लगाई, सुभान अल्लाह, लेकिन कस्तूरी जैसी कोई नहीं।
में बड़े बड़े परिंदों ने उड़ान भरी है, बड़े बड़े परिंदे आए, फाख्ता भी उड़ती है, कबूतर भी उड़ता है, कब्बा भी उड़ता है, बड़े बड़े जानवर उड़ते हैं, लेकिन कहा गया काम तहरीन यतीरू भला कबाल, लेकिन बाज जैसा कोई नहीं, शाहीन जैसा कोई नहीं। अब मैं इसकी रोशनी में ये कहना चाहूंगा, फकीर बड़े बड़े आए हिंदुस्तान की धरती में, मुज्तहिद बड़े बड़े आए हिंदुस्तान की धरती में, मुहद्दिस बड़े बड़े आए हिंदुस्तान की धरती में, बर्रे सगीर पाक को हिंद में बड़ी बड़ी हस्तियां आई हैं, लेकिन इमाम अहमद रजा जैसा कोई नजर नहीं आता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शायर नजर आता है, वाह वाह, जैसा हमको कोई फकीर नजर आता है, सुभान अल्लाह, ना उन जैसा हमको कोई अदीब नजर आता है, ना उन जैसा हमको कोई उस्ताद नजर आता है, ना उन जैसा हमको कोई मुफस्सिर नजर आता है। वो जो उनकी शान में उन्होंने खुद कहा है, या बाद ने कहा कि ये दाग साहब ने कहा है कि मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा कर सिक्के बैठा दिए, उन्होंने तो मुल्के सुखन कहा है। हम कहते हैं भी सिर्फ सुखन का मुल्क नहीं, जिस मुल्क में भी इमाम अहमद रजा को देखो, जिस समत आ गए हो सिक्के बैठा दिए। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह ताला ने जिस रुख में कलम उठाया, जब उनका कलम उठ चुका, बातल उनके मुकाबले में आए तो वापस तक आकर पाश पाश कर जाएगा, ऊंचे पहाड़ के साथ अपना सर टकराने वाले ताकि तू उसको फोड़ दे, ऊंचे पहाड़ के साथ अपना सर टकराने वाले ताकि तू उसको फोड़ दे, अपने सर के फट जाने से डर, बजाय इसके कि तुझे पहाड़ की फिक्र पड़ी। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह से जिसने मुकाबला किया, जो उनके सामने खड़ा हुआ, उसका सर फूटा है, इमाम अहमद रजा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बेशक बेशक उनको तईद रब्बानी हासिल है, वजह क्या है, उनका जो कदम उठा है वो आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में और आपकी मोहब्बत के जज्बे से सरशार होकर उठा। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह ने मुसलेह की हैसियत से और फिर एक मुजद्दद की हैसियत से, फिर एक मुहद्दिस मुज्तहिद की हैसियत से जो काम किए हैं, उन्होंने अपने तबार से ये अनमिट नकूश जो है वो छोड़े हैं जमाने के लिए। इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह ताला अलैह की जब फकाहत को देखते हैं तो मुझे वो शेर एक और अरबी जुबान का वो फिर याद आता है, सुभान अल्लाह। किसी ने कहा वैसे तो उनका इल्म है, उनकी उड़ान है कि 72 से ज़ायद उलूम पर उन्होंने अपनी यादगार तसानीफ छोड़ी। अब आप अंदाजा लगाइए इल्म के किस मैदान में हो, कौन सा शोबा है जिस पर उनका कलाम नहीं। सरफ पे उन्होंने लिखा है, नाव पे उन्होंने लिखा है, उसूल फिका पे उन्होंने लिखा है, शेर पे उन्होंने लिखा है, उनका कलाम मौजूद है, फिका में उनका कलाम है, उनका कलाम है, उनका कलाम है, मंतक में उनका कलाम है, फलसफे में उनका कलाम है, लागरथम में उनका कलाम है, उनका कलाम है, और साइंस पे उनका कलाम है, फिजिक्स पे उनका कलाम है, ज्योमेट्री पे उनका कलाम है, दीन का शोभा हो या दुनिया का शोभा हो, करीब करीब इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 72 से जायद उलूम पर अपनी यादगार तसानीफ छोड़ी। अपनी यादगार तसानीफ छोड़ी हूँ, खुद उसके इल्म का जो मर्तबा है वो क्या होगा। सुभानअल्लाह। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह की फकाहत पर मैं कलाम करते वर्त कर रहा था, किसी ने कहा फइन्न फकीहन वाहिदन मुतवर्रियन अला अल्फ़ज़ी ज़ुहदिन तफद्दला वातला। सुभानअल्लाह। एक फकीह जुहद वरा रखने वाला तन्हा फकीर जो है वो हजारों जाहिदों पर फजीलत रखता है और एक हजार कहा गया है। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा ऐसे फकीह हैं कि जिनके मुकाबले में हजार क्या लाख क्या करोड़ भी खड़े कर दिए जाएं जुहद वरा वाले, इमाम अहमद रजा का मर्तबा फिर भी ऊंचा नजर आता है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह ताला अलैह पूरी जिंदगी दीन की खिदमत से सरशार है। जिंदगी का शख्सियत का जायजा लें
चार साल की उम्र में तो उन्होंने नादरा कुरान पढ़ के मुकम्मल कर लिया है। सुभान अल्लाह, चार साल की उम्र में, जिस उम्र के अंदर हमारे बच्चों को तो शऊर भी नहीं होता, चार साल की उम्र में नादरा कुरान पढ़ा है। सुभान अल्लाह, आपने अपनी जिंदगी की पहली तकरीर फरमाई। सुभान अल्लाह, उसका मज़मून, उसका उनवान क्या था? मिलाद मुस्तफा। सुभान अल्लाह, मालूम हुआ कि मोहब्बत मुस्तफा की गुट्टी दी गई है इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे पहले कि मैं ये तज़किरा करूं, सादिये बताना चाहता हूं, इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ने जिस घर में आंख खोली है वो दीन के खुद्दाम का घर है। सुभान अल्लाह, अहले सुन्नत के उलमा का घर है। सुभान अल्लाह, हमारे मोहतरम जो उस जमाने में उलमाए इस्लाम के उस्ताद थे, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नकी अली खान आपके वालिद हैं, दादा जान, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रजा अली खान आपके जो दादा के वालिद हैं, हजरत हाफिज काजम अली खान, जरा गौर फरमाइए, दादा जो है वो आलम रब्बानी आरिफ कामिल है। सुभान अल्लाह, वो रईस अल मुतकल्लमीन मुफ्तियों के उलमा के उस्तादों के उस्ताद। सुभान अल्लाह, परदादा जान हाफिज कुरान है, उनके ऊपर जो है शाह मोहम्मद आजम खान, उनके ऊपर फिर वो सादत यार खान, और उसके ऊपर मुजाहिद इस्लाम खान सईदुल्लाह खान कंदारी, पूरे का पूरा गुराना जो है वो दीन की खिदमत से सरशार है। सुभान अल्लाह, कोई आलम रब्बानी है, कोई आरिफ कामिल है, कोई रईस अल मुतकल्लमीन है। सुभान अल्लाह, इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह जब पैदा हुए तो दादा जान ने नाम क्या तजवीज किया? मौलूद बगैर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसको मेरा रब औलाद अता करे उसको चाहिए कि अपने एक बेटे का नाम मेरे नाम पर मोहम्मद रखे, या मेरे नाम पर अहमद रखे, नाम से बरकत हासिल करने की वजह से, मेरी मोहब्बत की वजह से। इसका सिला मेरा रब उसको ये अता फरमाएगा कि वो बच्चा और उसके वालिदैन कयामत के दिन बिना हिसाबो किताब जन्नत में दाखिल किए। पैदाइश के साथ ही इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम रखकर बताया गया है कि ये शहजादा जो पैदा हुआ है सर के बालों से लेकर पांव के नाखूनों तक इश्क मुस्तफा में डूबने वाला है, मोहब्बत मुस्तफा में सरशार रहने वाला है, गुलामी करने वाला है। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह जिस तरह मैं अर्ज करता था, चार साल की उम्र में, इससे पहले कि मैं उसका तज़किरा करूं, साथ अभी देखिए नाम दादा जान ने रखा मोहम्मद। सुभान अल्लाह, हमारे मोहतरम कैसे क्या कहते थे? अहमद रजा। माफ फरमाना, अब वालिद मोहतरम ने अहमद रजा बुलाया, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने उसके अंदर साबके के तौर पर अपने आप को गुलामी मुस्तफा में पेश करते हुए अब्दुल मुस्तफा, सुभान अल्लाह, अहमद रजा ये नाम। सुभान अल्लाह, जब भी लिखते थे अपने आप को फिर अपने नाम के साथ अब्दुल मुस्तफा मोहम्मद अहमद रजा। सुभान अल्लाह, कई शेरों के अंदर भी आपने इसको कई मकाम पर जो है वो बकायदा तौर पर उसका उसको बयान किया है। एक मकाम पे फरमाते हैं, खौफ ना रख रजा जरा, वाह वाह, तू तो है अब्द मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ए अहमद रजा तुझे क्या खौफ है, क्योंकि जिसके साथ तुझे गुलामी की निस्बत है वो नबियों का सरदार है। सुभान अल्लाह, जिसके साथ तुझे गुलामी की निस्बत है वो रसूलों के सरदार है। सुभान अल्लाह, तबारक व तआला की मखलूक में सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे बेहतर, वो ऐसी ना उन जैसा कोई पहले आया है ना आ सकता है ना मौजूद ना आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम मोहम्मद रजा फरमाते, खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्द मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अमान है तेरे लिए अमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इसी से आला हज़रत का वो दूसरा शेर भी याद आता है जिसमें वो फरमाते कहते हैं कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम मोहम्मद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह ने जहां पे वो फरमाया ना ज़हे इज़्ज़त ओ तलाए मोहम्मद। सुभान अल्लाह, इसके इसके अंदर जहां पे लिखा के
खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आखिर में जाकर लेकिन रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए। वाह वाह अल्लाह अकबर। ये जो कुल सरात है इसके बारे में हदीस में फरमाया गया कि ये तलवार की जो तेज धार है ना उससे भी तेज है, और जो बाल है उससे ज्यादा बारीक है। बाल से ज्यादा बारीक और तलवार की धार से ज्यादा तेज चीज है उससे कैसे गुजरा जा सकता है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा फरमाते हैं तुझे किसी किस्म का खौफ नहीं पुल से, ए रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए फिकर करने की कोई जरूरत नहीं है, तू इसके ऊपर जो है वो वजद करते गुजर जाए इसलिए कि मुस्तफा ने तेरी सलामती के साथ गुजरने की दुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दूसरे मकाम पर जहाँ पे अब्दुल मुस्तफा का सबका इस्तेमाल करते हैं और उस पर नाज करते हैं जिसमें वो कहते हैं एक मकाम पे कहते हैं तेरी तेरी दोजख से तो कुछ छीना नहीं, तेरी दोजख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या। इसके अंदर जो है इस अपनी जो नजम है इसके अंदर एक मकाम पे फरमाते हैं देव के बंदों से हमको क्या गरज, देव के बंदों से हमको क्या गरज, हम हैं अब्दुल मुस्तफा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक मरतबा फिर समाज फरमा लीजिए, फरमाते देव के बंदों से हमको क्या गरज, हम हैं अब्दुल मुस्तफा फिर तुझको क्या। साथ ही फरमाते ला यमूतू आगे होगा भी नहीं, तू अलग है दाइमा फिर तुझको क्या। वाह वाह। यह है इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह का इसमें गरामी, अब्दुल मुस्तफा मोहम्मद अहमद रजा खोली है वो ऐसा गजान है जिन्होंने इनकी तालीम और तरबियत में फिर कोई कसर वाकई नहीं छोड़ी। जिस तरह की 4 साल की उम्र में नादरा कुरान पढ़ा, 6 साल की उम्र में जिंदगी की पहली तकरीर फरमाई है जिसका उन्वान मिलाद नबी है, मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और तारीख नगारों का लिखने वालों का ये कहना है 6 साल की उम्र में जो मजमा आम के सामने तकरीर फरमाई है मिलाद नबी के उन्वान से उसका दौरानिया जो है वो करीब करीब 2 घंटों पर मुश्तमिल था। सुभान अल्लाह। अभी आप गौर फरमाइए 8 साल की उम्र में जो अरबी जुबान की नहव की मशहूर और मारूफ इब्तदाई किताब है हिदायतुन्नाव, हमारे यहाँ वो नहव में नामीर के बाद हिदायतुन्नाव पढ़ाई जाती, उसके अंदर 8 साल की उम्र में अरबी जुबान में हाशिया लिखा है। सुभान अल्लाह। अब जरा गौर फरमाइए बे मर्तबे का हाल क्या है, ये उनके इल्म की उड़ान का हाल है 8 साल की उम्र में जिन्होंने हिदायतुन्नाव पर अरबी जुबान के अंदर हाशिया रकम फरमा दी। और उलूमे मुरव्वजा दस्तिया नसाबिया इस्लामिया से 13 साल 10 माह 4 दिन की उम्र में संदे फरागत हासिल किए। सुभान अल्लाह। कभी आप जो हमारे उलूम है उलूम मुरव्वजा इस्लामिया दर्सिया नसाबिया का कभी आप जायजा लें तो आपको पता चले भाई 13 साल 10 माह 5 दिन की या 4 दिन की उम्र क्या होती है जिसके अंदर आप संत फरागत हासिल किए और उसी दिन अपनी जिंदगी का सबसे पहला फतवा जो है वो रकम किया है। सुभान अल्लाह। उसी दिन आपका फरमान है कि अल्लाह ने मुझ पर नमाज फर्ज की, उसी दिन में बालिग हुआ था। इत्तेफाक कीजिए 13 साल 10 माह 4 दिन या 5 दिन की उम्र मुबारक है जब आपने संदे फरागत हासिल की, उसी दिन आप फरमाते मुझ पर नमाज फर्ज हुई, उसी दिन फरमाते मैं बालिग हुआ, उसी दिन आपकी जिंदगी में आपकी जिंदगी का सबसे पहला फतवा आपकी खिदमत में पेश किया गया। सुभान अल्लाह। जिसका जिसका सवाल क्या था, इस्तफ्ता पेश किया है, क्या सवाल था, सवाल ये था कि अय्याम शीरखानी अगर किसी बच्चे की नाक के रास्ते से किसी खातून का दूध उसके हलक से नीचे उतर जाए हुर्मत रजा साबित होती है या नहीं होती। यहां पर मैंने एक लफ्ज जो है वो बयान किया है अय्याम शीरखानी। बाद लोगों का ये ख्याल है कि औरत का दूध जब भी कोई पी ले हुर्मत रजा साबित हो जाती, लेकिन अहले सुन्नत का
आले हक का ये नजरिया है कि अय्याम शीर खातिन अगर किसी औरत का दूध बच्चा पीता है तो उससे हुर्मत रजात जो है वो साबित होती है। इमाम अहले सुन्नत इमाम मोहम्मद रजा रहमतुल्लाह अलैह ने जब फतवा लिखा, फतवे के अंदर ये बात दर्ज फरमाई कि अय्याम शीर खातिन जो साहिब मैन के नजदीक जिसकी मुदत 2 साल है और खुद इमाम आदम अबू हनीफा नुमान बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु के एक कौल के मुताबिक उसकी मुदत जो है वो 2.5 साल है जो आपने कुरान मजीद से उठाया, वह हमलुहु वह फिसालुहु सलासुना शहर जहां से उठा के ला, इमाम आदम हनीफा के नजदीक एक कौल के मुताबिक उसकी मुदत 2.5 साल है और साहिबैन के नजदीक उसकी मुदत 2 साल है। इमाम अहले सुन्नत इमाम मोहम्मद रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया अय्याम शीर खातिन में किसी खातून का दूध बच्चे के हलक से नाक के रास्ते से उतरे या मुंह के रास्ते से उतरे वो हुर्मत रजात साबित करता है, वो जो है उस पर उसकी जैसे नसब का रिश्ता उस पर हराम होता है इसी तरह रजात से भी उस पर रिश्ता हराम हो जाता है, वो उसकी माँ बन जाती है। आपने ये फतवा लेकर अपने वालिद मुकर्रम की खिदमत में पेश किया, उन्होंने जब फतवा देखा एक नजर फतवे को पढ़ते थे, एक नजर फतवे पे डालते थे और एक नजर अपने होनहार फरजंद अर्जमंद इमाम अहमद रज़ा के चेहरे पे डालते, कभी उनका चेहरा देखते कभी फतवा देखते और इसी दौरान अल्लाह का शुक्र अदा करते कि मौला तूने मुझे ऐसा बेटा अदा किया है कि जो दीन का खिदमत गुजार बनने वाला है, बेटे की पेशानी चूमी और बेटे को प्यार करते हुए फरमाया कि तूने ऐसा फतवा रकम किया है जिस पे खुद मुझे भी नाज है। सुभान अल्लाह। इमाम अहले सुन्नत इमाम मोहम्मद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह इस फतवे को देखकर उन्होंने अपना अपना अमामा मुबारक अपनी दस्तार मुबारक उतार कर इमाम अहले सुन्नत इमाम मोहम्मद रज़ा के सर मुबारक पर सुभान अल्लाह और मैं आज के रात ये फतवा मैं नहीं लिखूंगा, ये फतवा तू लिखे। अल्लाह सुभान अल्लाह कि 13 साल 10 माह 4 दिन की उम्र के मुफ्ती है। अल्लाह हू अकबर। ये इब्तिदा है, इंतहा का हाल क्या होगा अंदाजा लगाइए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 13 साल 10 माह 4 दिन या 5 दिन की उम्र में आपके सर मुबारक पर फतवे की दस्तार आपके वालिद ने बांधी है जो सरजमीन बरसगीर पाक हिंद के बड़े बड़े उलमा के उस्ताद थे और मुफ्ती थे और रईस अल मुतकल्लमीन थे। सुभान अल्लाह। उन्होंने दस्तार उतार के फरमाया आज के बाद फतवा मैं नहीं लिखूंगा तू लिखेगा। तो अब क्या नतीजा निकला कि 13 साल 10 माह 4 दिन की उम्र में आलम रब्बानी भी हैं और मुफ्ती भी हैं। सुभान अल्लाह। बल्कि कुछ अरसा पहले की बात है उलमा की एक नशिस्त में मैंने तकरीर की, उसके अंदर एक बुजुर्ग आलम दीन थे, अब मैं उनकी तरफ निस्बत नहीं करता हूँ, उन्होंने फरमाया कि आप कहते हैं 13 साल 10 माह 4 दिन की उम्र में मुफ्ती हैं, मैं कहता हूं वो 4 साल की उम्र में मुफ्ती थे। अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जब उन्होंने वो वाक्या बयान किया कि 4 साल की उम्र में इमाम अहले सुन्नत इमाम मोहम्मद रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह का फरमान है कि वो बचपन के दस्तूर के मुताबिक अपने इलाके में उत्तर प्रदेश के इलाके के दस्तूर के मुताबिक उन्होंने बजाय सफर सांपने के अलग पैजामा पहनने के बजाय लंबा सा कुर्ता पहना हुआ था, तो दूर से देखा कुछ ऐसी जो है वो लोग आ रहे हैं जिनको कहा जा सकता है कि जिनसे बाजारी किस्म के अफराद हैं, जिसमें कोई ये खवातीन हो सकती हैं या हिजड़े हो सकते हैं। जब वो इमाम अहले सुन्नत इमाम मोहम्मद रज़ा के करीब आते हैं तो आपने अपना कमीज मुबारक का दामन जो है उठाकर अपनी आंख पे रखा है और जब वो करीब आए तो उन्होंने आपको चूट करते हुए कहा मियां साहबजादे तूने अपनी आंख पर तो पर्दा कर लिया है, नीचे तुम्हारा सतर जो है वो नंगा हो गया है। तो इमाम अहले सुन्नत इमाम मोहम्मद रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसको आंख पर पर्दा किए किए फरमाया कि सबसे पहले आंख बहकती, आंख बहकती है तो दिल बहकता है, दिल बहकता है तो शर्मगाह बहकती है, तो मैंने जहां से बुराई का चश्मा फूटने का अंदेशा था उसको ही बंद कर दिया। तो वो बुजुर्ग आलमगीर फरमाते थे तू कहता है 13 साल 10 माह 4 दिन की उम्र में मुफ्ती हैं, मैं कहता हूं वो तो 4 साल की उम्र में मुफ्ती थे। मालूम हुआ
कि तभी अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ये शोभा भी अता फरमाया। वालिद मोहतरम ने 16 साल की उम्र में दस्तार उनके सर पे बांध दिए। आगाज में ये होता था कि आला हजरत फतवा लिखते अपने वालिद की खिदमत में पेश करते, आपके वालिद मोहतरम उसको देखते, अगर मुनासिब समझते हैं तो उस फतवे के अंदर कुछ तब्दीली करते हैं, कुछ इसलाह करते हैं, अगर उसको समझते हैं कि दुरुस्त है उसी तरह बरकरार रखते। थोड़ा अरसा तक ये सिलसिला जारी रहा। कुछ अरसे के बाद आपके वालिद मोहतरम ने आपसे फरमाया कि बेटे अहमद रजा खाम खाम मुझे भी तंग ना करो, अपना वक्त भी जाया ना करो, मैं समझता हूँ कि तू एक कोहना मस्त मुफ्ती हो चुका है, तेरे फतवे के अंदर कोई इसलाह की जरूरत नहीं होती। उसके बाद 16 साल की उम्र में इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह तआला अलैह ने ये मुसल्लम उस्सबूत, जो उलमा की तफ़सीरात के अंदर जो मशहूर और मारूफ किताब है, मुसल्लम उस्सबूत पर अरबी जुबान के अंदर आपने हाशिया रकम फरमाया। अब आप अंदाजा लगाइए उनकी उड़ान का हाल क्या है। ये इब्तदा है, इंतहा कैसी है। फिर जब अपने वालिद, फिर अपने पीर मुर्शिद के दरवाजे पर जब हाजिर हुए बैत होने के लिए, मातहरा शरीफ शाह आले रसूल रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में जैसे ही पहुंचे, उन्होंने आपको जाते ही अपनी बैत में कबूल किया है। बैत में कबूल करने के बाद फौरन ही उनको तरीकत के जितने मशहूर सलासल, ये चार जो आमतौर पर मशहूर है, चिश्ती है, पादरी है, तरीकत के चार ये और कुछ गैर मारूफ सिलसिले, 13 सिलसिलों के अंदर इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह को उन्होंने उसी मौके पर खिलाफत अता फरमाई। पीर मुर्शिद ने शाह अले रसूल मार हरवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, और साथ ही फरमाया वहां बैठने वाले लोगों से फरमाया कि कल कयामत के दिन अगर अल्लाह मुझसे पूछेगा कि आले रसूल मार हरवी बता मेरे लिए क्या लाया है, तो मैं अहमद रजा को पेश करूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनने वालों की खिदमत में अर्ज करूंगा कि हमेशा मुरीद अपने पीर पे नाज करता है, हमेशा शागिर्द अपने उस्ताद पे नाज करता है, सुभान अल्लाह, खादिम अपने मखदूम पे नाज करता है। यहाँ जरा मर्तबा देखो, इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह जो है उनके पीरो मुर्शिद भी उन पे नाज कर रहे हैं और फरमाते कयामत के दिन अगर अल्लाह ने पूछा आले रसूल बता मेरे लिए क्या लाया है, अहमद रजा को पेश करूंगा। सुभान अल्लाह। हुआ कि इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह तआला अलैह सिर्फ मानने वालों के लिए फखर का बायस नहीं, बल्कि वो अपने मानने वालों के लिए भी फखर का बायस है, अपने घराने वालों के लिए भी फखर का बायस है, और अपने उस्तादों के लिए भी फखर का बायस है, और अपने पीरों के लिए भी फखर का बायस है। सुभान अल्लाह। ने जब उनको बैत फरमा लिया और ये तरीकत के 13 सलासल के अंदर खिलाफत भी अता फरमाई, उस मौके पे फरमाया इमाम अहमद रजा ए मेरे बेटे, हमारे पास लोग आते हैं बैत होते हैं, हम उसके बाद उनको औरादो वज़ाइफ के तूलो तवील किस्सों में लगा देते हैं, चिल्लों में लगा देते हैं, उनको सलूक की मनाजल से गुजारते हैं, फिर किसी मकाम पर उनको जाके देखते हैं, अगर किसी के यहाँ जौहर काबिल पाएं उसको खिलाफत देते हैं, बगर ना उसी तरह रहने देते हैं। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह से फरमाया मेरे बेटे तुझे अरादो वज़ाइफ की जरूरत ही नहीं, तू जिस तरह का दिल लेके आया, जिस तरह की पाकीज़गी लेके आया, सुभान अल्लाह, जिस तरह का हुस्न नजर लेके आया, सुभान अल्लाह, जिस तरह की अच्छी पाकीज़ा जिंदगी लेके आया, सुभान अल्लाह, इस तरह के अरादो वज़ाइफ में से गुजारने की जरूरत नहीं, अल्लाह ने तुझे पहले ही वो मर्तबा दिया है कि तुझे औरादो वज़ाइफ की बजाय मैंने खिलाफत दे दी। सुभान अल्लाह। अब मुझे वो बात याद आती है, अब जरा गौर फरमाइए, इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह को पहले दिन ही दस्तार बांधी। मुझे एक वाक्य याद आता है, हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिलसिला आलिया सोहरावर्दिया के शेख कामिल, ये सादी शिराज़ी साहब के उस्ताद हैं, हजरत बहावला सादी शिराज़ी के पीर हैं, बहावला कुकरिया मुल्तानी के पीर हैं, ये हजरत जलालुद्दीन बंगाली के पीर हैं, तबरेज़ी के पीर हैं, सुभान अल्लाह, हजरत बहावला कुकरिया मुल्तानी इनकी खिदमत में हाजिर हुए थे तो उन्होंने 17 दिनों के अंदर आपके सर मुबारक पर दस्तार बांधी थी और उनको खिलाफत दे के फारग कर दिया। जब इनको फारग किया
तो आपकी खिदमत में बड़ी बड़ी हस्तियां तशरीफ फरमाती जो कई कई साल से वहां से पढ़ी थी, उन्होंने हर पे शिकायत जुबान पे लाके कहा अरे पीर मुर्शिद हो, इनके भी पीर मुर्शिद हो, हमें तो बैठे बैठे साल साल गुजर गए, ये अभी आए तुम्हें फारिग कर दिया। इसके जवाब में हजरत शहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने फरमाया तुम्हारी लकड़ियां गीली हैं, मैंने कई मरतबा आग देने की कोशिश की है, आग नहीं पकड़ती, मैं क्या करूं। बहावला कुदरिया मुस्तानी जो लकड़ियां लाया सूखी लाया, मैंने पहली मरतबा इनको आग दी है पकड़ गई। मोहम्मद रजा भी जो लकड़ियां लेके गए थे वो अल्लाह उनको ज्यादा से ज्यादा आग देने की जरूरत नहीं, पीरो मुर्शिद ने पहली मरतबा उनको आग दी है आग पकड़ गई। फिर इमाम अहले सुन्नत इमाम मोहम्मद रजा रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में शाह आले रसूल मार हरवी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो आपके पीरो मुर्शिद हैं उनके बारे में ये बयान किया जाता है, कहते इमाम अहले सुन्नत के वहां पे जाने से पहले वो मार हरा शरीफ से बाहर निकल कर उस दरवाजे पे आगे खड़े हो जाते थे, उस रास्ते में खड़े हो जाते थे जो रास्ता बरेली को जाता है, और लंबी लंबी सांसें लेते थे और वहां पे रहते रहते। किसी ने पूछा कि आप ना तो कुछ काम करते हैं ना कुछ चीज इधर से आके खरीदते हैं तो क्या करते हैं इधर आके, तो उन्होंने फरमाया कि जिस शहर की तरफ मैं देखता हूँ, जिस रास्ते की तरफ देखता हूँ, मुझे यहाँ से एक आशिक रसूल की खुशबू आती है, सुभान अल्लाह। यानी सुन्नत इमाम मोहम्मद रजा वो हस्ती है कि उनके जाने से पहले उनके पीरो मुर्शिद भी उनका इंतजार किया करते, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह। फिर आपने अपनी जिंदगी का जो मुबारक सफर किया हज का, पहले हज के सफर के मौके पर आपका वो मशहूर नातिया कलाम है जो आपने हज करने के बाद लिखा था, वाह वाह, बिलबदी तौर पर वो क्या था, हाजी हो आओ शहंशाह का रोजा देखो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, देख चुके हो आओ काबे का भी काबा देखो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, आपने जमजम को पिया खूब बुझाई प्यासे, आओ अब साथी ये कौसर का भी दरिया देखो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर झूमते हुए कहते थे गौर से सुनो ऐ रजा काबा से आती है सदा, सुभान अल्लाह, की आंखों से मेरे प्यारे का रोजा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत कहते सिर्फ मैं ही नहीं कहता, खाने काबे का भी एक एक जर्रा मुझे कह रहा है, गौर से सुनो तू ऐ रजा काबा से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसी सफर के अंदर, अब कैसा सफर है, इमाम अहले सुन्नत इमाम मोहम्मद रजा रहमतुल्लाह अलैह हजाज मुकद्दस में हाजिर हुए, बैतुल्लाह शरीफ का हज किया है, रोजा रसूल पे हाजिर हो गए, रोजा रसूल पे हाजिर होने की कैफियत उनकी क्या होगी, जैसे परवाना शम्मा पे जाता है कैसे जिंदा वापस आ सकता है, जैसे चकोर जो है वो चांद के लिए तरसता तड़पता रहता है, जैसे बुलबुल है फूल के लिए तड़पती, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मछली है पानी के लिए तड़पती रहती, सुभान अल्लाह। इमाम अहले सुन्नत इमाम मोहम्मद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह की बिल्कुल मिलती जुलती कैफियत, रोजा रसूल पे कैसे हाजिर हुए होंगे, इमाम अहले सुन्नत इमाम मोहम्मद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह का अंदाज कैसा होगा, वो उसी सफर के लिए इमाम अहले सुन्नत इमाम मोहम्मद रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये बात फरमाई है। जब दूसरे सफर में गए थे फिर उनके वो शेर जो मशहूर है वो लिखे थे आपने, जिसमें कहते शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है, जिस पर निसार जान फलाह सफर की है, सुभान अल्लाह। और उसी दूसरे सफर के अंदर जो आपका वाकया मशहूर है, कहते रोजा रसूल पे हाजिर हुए थे, इंतजार था, एक तमन्ना थी, एक आरजू थी, एक तलब थी, एक तड़प थी कि सरकार का करम जरूर होगा, मुझे मेहरबानी फरमाएंगे, मुझे दीदार आता था, सुभान अल्लाह। गया था, दूसरा दिन गया था, तीसरा दिन आया, इमाम अहले सुन्नत इमाम मोहम्मद रजा रहमतुल्लाह अलैह का जो इश्क है वो चंगारी शोला जवाला बन गई, वहां पे फिर झूमते झूमते वो कलाम पढ़ते थे, वो सुए लाला दार फिरते थे, तेरे दिल में बहार फिरते, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, यूं ही दर बदर सार फिरते हैं, आखिरी शेर है उसका तकरार बार बार करते, तेरी बात कोई क्यों पूछे रजा। अब चिश्ती साहब मौजूद हैं, असगर चीज़ी साहब मौजूद हैं, शायर किस्म के लोग हैं, यहाँ पे तो हमने बदल लिया, कहते हैं तुझसे शायदा हजार फिरते हैं, तो आला हजरत ने क्या लिखा है, हम जो जरा इतने बहुत ज्यादा अदीब लोग नहीं है, हम तो उसको पढ़ते हैं तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, आज ने कहा नहीं कुत्ते नहीं लग जाए, ये कितने होता है कितने का है, कहते कितने कितने का मुखफ, एक
दो तीन साल पहले मैं इधर ब्रेडफ्रूट के अंदर ही एक मकाम पे दरसे कुरान देता हूँ जोर की नमाज के बाद जामा मस्जिद तबलीगुल इस्लाम में, वहां पे उलमा की एक जमात तशरीफ लाई थी, उनमें बड़े समझदार उलमा उनके अंदर ये बात छिड़ गई थी। बाद ने कहा ये लफ्ज कुत्ते है, बाद ने कहा नहीं कुत्ते है। एक आजी साहब है मबूक वैसे आलिम दीन है पड़े हुए हैं, तो उन्होंने फरमाया मुझे कहा आप बताइए। मैंने कहा क्या बता सकते हैं, कोई कुछ शनावर वाला बता सकते हैं। थोड़ी देर बाद चली, मैंने कहा वैसे आला हजरत का अंदाज ये है कि वो तो गौसे आदम के लिए भी अपने आप को कैसे पेश करते हैं, वो तो गौसे आदम की बारगाह में भी कहते हैं तुझसे दर दर से साथ सुभान अल्लाह मुझको निस्बत सुभान अल्लाह में भी है दूर का डोरा तेरा सुभान अल्लाह हशर तक रहे मेरे गले में पटा तेरा सुभान अल्लाह। और दूसरे मकाम पे फतावा रज़विया में फरमाते कहते हैं कल्बे बाबे आली सुभान अल्लाह। अब जरा गौर फरमाई आला हजरत खुद फरमाते कहते हैं कल्बे बाबे आली अपने आप के बारे में कहते हैं उस ऊंचे दरवाजे का सग। अब मैं वो लफ्ज नहीं इस्तेमाल करता जो हमारे यहाँ उर्दू में होता है, कहते कल्बे बाबे गौसियार मुरादों के ऊंचे दरवाजे का कुत्ता हूँ सग। मैंने कहा इतनी बात समझ आती है आगे अल्लाह को हाल मालूम है। वहां पे एक बहुत बड़े एक बुजुर्ग थे सैयदजादे, बहुत सिलसिले के आदमी थे, वो बैठे हुए थे। तो मैंने कहा अगर शाहजादा इनसे पूछ लेते हैं वो भी शामिल थे दोस्तों। उन्होंने कहा मैं फकीर क्या बता सकता हूँ आपको, ये मौलवियों का काम है। फिर उन्होंने कहा अच्छा अगर आप मेरे जिम्मे लगाते हैं मैं कल बताऊंगा, मैं कोशिश करूंगा उनसे पूछूं। अच्छा इत्तेफाक हुआ, दूसरे दिन वो आए दर से कुरान मुकम्मल हुआ, उनसे पूछा गया कहते रात को आला हजरत ख्वाब में आए थे। वाह वाह। तो कहते हैं मैंने कहा फिर क्या हुआ, कहते हैं वो ऐसा था कि वो तेजी के साथ सफर पे जा रहे थे, मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था, मेरे जहन में ये था कि मैं पूछूं हजरत क्या इसका क्या मतलब है। तो कहते हैं मुझे लगा भाई आला हजरत तक मैं पहुंच नहीं सकता इतनी तेजी से जा रहे थे, कहते करीब था कि गली का बोर्ड मुड़ जाए मैं पीछे रह जाऊं। कहते गली का मोड़ मुड़ते मुड़ते आला हजरत ने पलट के पीछे मुझे फरमाया साहब ने शाह साहब लफ्ज कुत्ते है। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मालूम उनके हाथ में दांत खड़क जाती है। वाह वाह। कहते उन्होंने मुड़ते मुड़ते फरमाया शाह साहब लफ्ज कुत्ते है। सुभान अल्लाह। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम मोहम्मद रजा रहमतुल्लाह अलैह की रूहानियत का हाल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब आपने वहां पढ़ा ना इस लफ्ज का तकरार किया फिर आपने तेरी बात कोई क्यों पूछे रजा, मैं तो आपको लफ्ज नहीं पढ़ता हूँ, ये कहता तुझसे शायदा हजार करते तुझसे शायदा हजार करते। जब बार बार उस लफ्ज को तकरार करते थे तो उसी हालत के बाद कुछ अरसे के बाद ऊंग आई थी। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंग में नहीं नींद में नहीं बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जागती आंखों से आला हजरत को दीदार अदा किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं उसको ख्वाब में मिलता हूँ अहमद रजा तू वो दिल लाया है वो शौक लाया है तुझे आलमे नींद में नहीं आलमे बेदारी में तुझे अपना दीदार आता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह के दोनों सफर जो है ये बहुत ऊंचे दर्जे के रहे। और फिर आपकी जो वहां पे आओ भगत की गई है, कहते एक दिन असर की नमाज के बाद आप तशरीफ लेके जा रहे थे बच्चे से बाहर निकल रहे थे और उधर मस्जिद की तरफ मुफ्ती शाफिया मुफ्ती हुसैन बिन साले मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहे थे। कहते जैसे ही उन्होंने देखा आला के चेहरे पर उनकी नजर पड़ी आपकी पेशानी देखते रहे और फिलबती उन्होंने कहा वल्लाह इन्नी लअजदु नूर अल्लाह हाज़ल जमीन अल्लाह की कसम मैं इस पेशानी के अंदर अल्लाह का चमकता हुआ नूर देख रहा हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह का हाथ पकड़कर हजरत आला को अपने घर ले गए, दस्तरखान पे बैठाया, अपने हाथ से हाथ धुलाए, दस्तरखान पेश किया। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह की जो तस्वीर किसी ने खींची है ना, वो कहते हैं उनकी पूरी जिंदगी का अगर जायजा लिया जाए तो इन लफ्जों में पुराया जा सकता है, या तो वो फराइज बंदगी के लिए खुदा खाने में जाते थे या फिर जज्बा इश्क की तपश बढ़ जाती थी तो दयार हबीब का सफर करते थे। सुभान अल्लाह। इसके अलावा उनके शाम और रोज उनके शब और रोज और शाम और सहर का एक एक लम्हा दीनी खिदमात के अंदर इस कदर मगन था कि निगाह उठाकर भी देखने की किसी को मोहलत नहीं मिलती। उनकी नोक के कलम का एक एक कतरा
फिक्र एतकाद की जन्नतों में कौसर व तस्नीम की तरह बह रहा है। सुभान अल्लाह। और वीरानों में उनके जो जलाए हुए चराग थे उन्होंने दीन के जो चराग थे उनको ऐसे लहरा दिया था कि वीरानों के अंदर भी दीन के गुलशन लहलहा उठे। सुभान अल्लाह। अपने महबूब के शौकत जमाल के लिए हर वक्त बेचैन रहते। सुभान अल्लाह। उनके कलम की रोशनाई कभी नहीं सूखती, पलकों का कपड़ा ढलक नहीं पाता कि आंसू का एक नया तूफान उमड़ने लगता। वो अपने महबूब के वफादारों पर इस दर्जा मेहरबान थे कि कदमों के नीचे दिल बचाकर भी एक तमाम शौक की तशनबी महसूस करते। सुभान अल्लाह। वो अहले ईमान के लिए लाला के जिगर की ठंडक थे। सुभान अल्लाह। ऊपर की बगावत के हक में गैर व जलाल का तहकता हुआ एक अंगारा थे। सुभान अल्लाह। के दुश्मनों के खिलाफ जब कलम की तलवार लेकर उठते थे तो उंगलियों की एक एक जुम्बश पर तड़पती हुई लाशों का अंबार लगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उनका कहना है किल के रजा है खंजरे खूंखार भरक बार। सुभान अल्लाह। कह दो कि खैर मनाना नशर करे। सुभान अल्लाह। छोट करते फरमाते हैं यह दी की तकवीयत उनके घर यह मुस्तकी में सरात शक जो जो शकी के दिल में है गाओ खा तो जुबान का चुमार है। अरे हबीब प्यारा तो उम्र भर करे फैज व जूदी सर बसर खाए तपे सकर तेरे दिल में किससे बुखार है। उन पर कलाम करते करते कभी ये फरमाते करे मुस्तफा की अहानतें खुले बंदो इसमें ये जुर्रतें। अरे क्या मैं नहीं हूँ मोहम्मदी। अरे हाँ नहीं अरे हाँ नहीं फजल काटे नक्स का जो यहाँ रहे फिर कहे मर्द की उम्मत रसूलुल्लाह की। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह जब कलम की तलवार लेकर उठते थे उसका अंदाज ही और खुद ही ये रजा के रेजे की मार है कि उदुव के सीने में खार है किसे चारा जोड़ी का वार है कि ये वार बार से मार है। सुभान अल्लाह। और शान रहमत उनका ज़ौक एहतराम अदब इस दर्जा लतीफ था कि मुतकल्लम के कस्दोनियत से कता नजर वो अल्फाज की नोक पलक पर भी शरी ताहीरात के पहरे बढ़ा। हवाए नफ्स की दबीद गर्द के नीचे छुप जाने वाली शारा हक को खुश उसलूबी के साथ वादे कर दिया था। अहले इरफान की दुनिया अहले हक की दुनिया अहले इंसाफ की दुनिया बयक रुमान उन्हें मुजद्दद कह दिया। सुभान अल्लाह। और उनका जो है दीन व सुन्नत के लिए उनका फरोग उनके दिल का इश्क इखलास पूरे अरबो अजब ने तस्लीम कर लिया था। सुभान अल्लाह। वो अपने जमाने के बहुत बड़े सुखनवर थे दुनिया के अरबाब रियासत उनके दरवाजे पर कई मर्तबा आए। सुभान अल्लाह। अहमद रजा कुछ हमारी शान में भी लिखो तो सुभान अल्लाह। इमाम अहमद रजा ने जवाब में इतना ही कहा इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मुस्तफा की नात लिखी और फिर दुनिया वालों के बारे में कह दिया कि मैं उनके बारे में क्या कहूँ क्या उनके बारे में कहूं? सुभान अल्लाह। कि मेरा दीन पाराए ना नहीं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दीन पाराए ना नहीं कहां से शुरू होता है मेरा दीन पाराए मतलब का पूरा करें करूं मद है बोल रजा पड़े इस मजा में तेरी बला मैं अल्लाह के करीम का मेरा दीन पाराए ना नहीं। सुभान अल्लाह। शुरू हुआ कैसे कहां से शुरू हुआ करूं मद है करूं मद अहले दवल रजा अल्लाह पड़े इस बला में मेरी मद अहले दवल रजा पड़े इस बला में मेरी बला मेरी बला मैं गदा हूं अपने करीम का मेरा दीन पारा इनान है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह की पूरी जिंदगी का जायजा लें आप उनकी पूरी जिंदगी इश्क रसालत में डूबी नजर आती। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इश्क रसालत में नजर आती सुभान अल्लाह। इश्क रसालत के अंदर वो इस कदर दीवाना वार हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पासबानी के लिए चारों तरफ से हर हट हट कर लोगों का मुकाबला करने के लिए खड़े। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अगर कोई गैर मुकल्लद उनके सामने खड़ा होता उसके मुकाबले में भी आते अगर कोई जो है वो बिदती खड़ा होता उसके लिए भी आते अगर कोई जो है वो बारगाह रिसालत में हरदा सराई करने वाला खड़ा होता उसके मुकाबले में आते। सुभान अल्लाह। चौमुखी लड़ाई लड़ने वाले आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह तआला ने और मैदान में उनका जो शोभा है वैसे तो उनके फतावों की जो लिस्ट है आपको मालूम है फतावा रजविया खाली देख लिया जाए
पहले पुराने तो हम कहते थे कि वो 12 जिल्दों पर मुश्तमिल है, हर जिल्द 1000 सफे पर मुश्तमिल है। आज आप उसका अंदाजा लगाइए, वो तो 30 से ज्यादा जिल्दों में हो चुका है। अल्लाहू अकबर। एक एक जिल्द जो है वो 1000 से ज्यादा सफात पर मुश्तमिल। सुभान अल्लाह। छोटे छोटे मसाइल के अंदर भी पलक झपकने से पहले मसला हल कर जाते। सुभान अल्लाह। कुछ लोगों ने उस पर एतराज भी बहुत किए, इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह, सही ये है कि वो माहिए बिदत थे, बिदत को मटाने वाले थे, माहिए बिदत थे, हामिए सुन्नत भी थे। सुभान अल्लाह। हमेशा सुन्नत की हमायत करने में पूरी जिंदगी बसर की। सुभान अल्लाह। बाद लोगों ने इल्जाम लगाया कि वो नबी के इल्म को अल्लाह के बराबर समझते। कोई शख्स किसी बंदे के लिए एक जर्रे का इल्म, चाहे वो हाजिर का हो चाहे वो गैब का हो, एक जर्रे का इल्म अल्लाह की अता के बगैर माने, वो बंदा दार इस्लाम से खारिज हो जाए। अब जरा गौर फरमाए आला हजरत की हाँ किस कदर एहतियात पाई जाती, किस कदर एहतियात पाई जाती। किसी ने पूछा था आपसे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की कसम उठा ले फिर उसके खिलाफ को मंदा करे उस पर कफारा वाजिब होता है। हालांकि आप देखिए उनका उठना बैठना इसके रसालत से सरशार है, वो तो उठते बैठते सरकार के तराने गा रहे हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा रजी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी तो आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर निसार है। बेशक सुभान अल्लाह। उसके साथ नस्बत पा जाती है, उसका भी एहतराम करते रहते हैं, उसके एहतराम में वो अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। सुभान अल्लाह। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत से ये पूछा गया था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की कसम उठाए फिर उसके खिलाफ करें कफारा वाजिब होता है? आपने फरमाया नहीं होता है। साथ ही सवाल किया गया था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की कसम उठाना जायज है? फरमाया नहीं जायज है। जरा गौर फरमाइए, ये आला हजरत है। सुभान अल्लाह। पहले पूछा गया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की कसम उठाएं फिर उसके खिलाफ करें कफारा वाजिब होता है? फरमाया नहीं होता। फिर सवाल है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की कसम उठाएं जायज है? फरमाया नहीं जायज है। फिर सवाल को किस वजह से जायज है? आपने फरमाया बेअदबी है। ये इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा है। जरा उनकी लताफत देखिए, जरा आला हजरत की तारीख भी नहीं देखिए। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह से सवाल हुआ था कि ये मछली को ज़बह क्यों नहीं करते, टड्डी को ज़बह क्यों नहीं करते? तो जवाब में आला हजरत ने फरमाया कि मछली को ज़बह करना जो है, ये टड्डी को ज़बह करना या किसी चीज को ज़बह करना, उससे मकसूद होता है कि उसका खून निकाला जाए, खून निकाल लिया जाए। तो मछली में खून होता ही नहीं, टड्डी में खून ही नहीं होता, इसलिए उसको ज़बह नहीं किया जाता। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया गया, औरत का ज़बीह जायज है? आला ने फरमाया हाँ, औरत ज़बह करे अगर ज़बह करना जानती हो उसका ज़बीह जायज है। आला हजरत से सवाल किया गया था, आपसे किसी ने पूछा कि ये जो फरमाया ला निकाह फिल ईदैन, दो ईदों के दरमियान निकाह नहीं है, इसके बारे में आपका मतलब? ये हमारे जो इधर वही कश्मीर के इलाके हैं इसके अंदर अक्सर ये बात होती है। वो फरमाते अगर दो ईदों के दरमियान निकाह करोगे तो ये निकाह जो है ये दो ईदा हो जाए, वो छोटी ईद से पहले पहले कुछ करते हो जाए। तो ये सवाल आला हजरत से भी हुआ था, ला निकाह फिल ईदैन, इसके बारे में क्या दो ईदों के दरमियान निकाह ना करो? तो आपने जवाब में फरमाया कि इसका मतलब है कि अगर जुमे के दिन ईद आए, एक जुमे की ईद है तो एक ईद होगी, इसके दरमियान तो निकाह ना करो। क्यों? कि तुम्हें बहुत तेजी करना पड़ेगी, मुशक्कत करना पड़ेगी। साथ ही फिर आपकी फकाहत का ये आलता फरमाया कि जब भी निकाह करोगे दो ईदों के दरमियान ही होगा, या ईद उल फितर के दरमियान होगा, ईद उल फितर पहले होगी ईद उल अज़हा बाद में होगी, या ईद उल अज़हा उधर चुके होगी अगली ईद फिर आएगी, जब भी करोगे तो दो ईदों के दरमियान ही होगा, उसमें तो फर्क नहीं हो सकता। बारीक बीनी कहा लिए, किसी ने आपसे पूछा था आला हजरत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह से सवाल हुआ कि मर्द और औरत जिनको मियां बीवी अगर वो हुकूक ज़ौजियत अदा करना चाहें तो उसके लिए किसी ज़ीरू का होना और उसको वहां से निकालना कैसा है? इसके जवाब में आला हजरत से पहले एक फतवा मौलाना रशीद अहमद गंगोई दे चुके थे,
और वो फतवा उन्होंने ये दिया था कि वहां से किसी जी रू का होना जाए तो आला ने फरमाया वहां से तो फिर मक्खियों को भी निकालना पड़ेगा, मच्छरों को भी निकालना पड़ेगा, वो भी जी रू है। यानी आला हजरत की बारीक बीनी का ये हाल था। सुभान अल्लाह। किसी ने आपके सामने ये सवाल किया था कि ये मशहूर है ये बात कि अल विलायत अफजल मिन नबुवत, विलायत नबुवत से अफजल है। आला हजरत का मेरे सुन्नत इमाम अहमद रजा ने फौरन ही बात को पलट के फरमाया यूं कहो विलायत नबी अफजल मिन नबुवत, कि नबी की जो अपनी विलायत होती है वो उसकी नबुवत से अफजल होती है। सुभान अल्लाह। जो नबी की वलायत है उसके अंदर उरूज होता है, बेशक नबी की नबुवत होती है उसकी जात की, तो वो जो है उसके अंदर नज़ूल होती है। वलायत में बंदा जो है अल्लाह की तरफ रुजू करता है और नबुवत में बंदा अल्लाह की तरफ से बंदों की तरफ रुजू करता है। अगर ये जुमला कहोगे वलायतुन नबी यू जे जुमला अल वलायतु अफ़ज़लु मिन नबुवत, फिर ये कुफ्र हो जाएगा कि कोई वली कितना बड़ा हो जाए वो सहाबा के मर्तबे को नहीं पहुंच सकता, नबी के मर्तबे को कैसे पहुंचेगा। बेशक आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह तआला अलैह से ये सवाल भी था। जिन्हें आपके सामने ये हदीस पढ़ी थी लो कान मूसा व ईसा हय्या लमा वसअ इल्ला तबाई, अगर आज मूसा और ईसा जिंदा होते उनको भी मेरी पैरवी के बगैर कोई चारा कार न होता। फौरन पलट के रोक के फरमाया ऐसा जुमला नहीं, असल हदीस है लौकाना मूसा हय्यन लिमा वसअतबाई, अगर आज मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा होते उनको भी मेरी पैरवी के बगैर कुछ चारा न होता। तो रह गए ईसा अलैहिस्सलाम, फरमाया ये इन्होंने गढ़ा है, जो जो नए नए जो इन्होंने दरवाजे को खोलना चाहते हैं इन्होंने गढ़ के इसके अंदर डाला। फिर आला हज़रत से सवाल हुआ, किसी ने सवाल किया था आपसे कि खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में क्या नजरिया है, बकायदे याद है जिंदा है, तो आपने फौरन फरमाया जमूर का नजरिया ये है कि चार नबी ऐसे हैं जो अभी जिन पर अभी तक जो है वो अजल का अल्लाह का पैगाम जो है वो तारी नहीं हुआ, हकीकी हयात के साथ अभी तक जिंदा है, उन पर कुल नफ्स मलाइका मौत का सिलसिला नहीं आया। उनमें से खिज़र अलैहिस्सलाम है, उनमें से इलियास अलैहिस्सलाम है, सुभान अल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम है, उनमें इदरीस अलैहिस्सलाम है, सुभान अल्लाह। दो नबी आसमानों पे हैं, दो नबी जमीन पे हैं, जो जमीन पे हैं उनमें हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम है, ईसा अलैहिस्सलाम है, जो आसमानों पे हैं उनमें हजरत है, जो जमीन पे हैं इलियास अलैहिस्सलाम, खिज़र अलैहिस्सलाम आसमान पे हैं, ईसा अलैहिस्सलाम इदरीस अलैहिस्सलाम, सुभान अल्लाह। नबी फौत आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात फरमाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और बचपन के अंदर फतानत का ये हाल था कि जिस उस्ताद से आप पढ़ते थे, अभी आप पढ़ने के लिए बैठे थे नादरा कुरान पढ़ते, तो एक 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 तालिबे इल्म आया, उसने उस्ताद साहब को सलाम किया अस्सलाम वालेकुम, तो उस्तादा की जैसे हमारे बर्रे सगीर पाक को हमें आदत होती है आगे से जवाब देंगे जीते रहो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत बच्चे थे भी फौरन ही फरमाया ये सलाम का जवाब तो ना हुआ, सलाम का जवाब तो ये है कि वालेकुम अस्सलाम कहा जाए, आपने उसको कह दिया जीते रहो। यानी उस वक्त भी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के होश का हवास का और उनकी बेदारी का हाल था। सुभान अल्लाह। इंतहाई खुश हुए, आला हजरत को प्यार दिया। इस मौके पर एक और बात भी कहना चाहता हूँ, आला हजरत के बचपन का ये वाक्य बड़ा मशहूर है, यूपी के जो अंदाज है उसके मुताबिक आपको बचपन के अंदर रोजा रखवाया गया गर्मियों के मौसम में, और गर्मी के जो प्याले हैं वो याद किए जा चुके थे। आला हजरत को खुद बड़े पसंद थे बचपन में, बाद में भी पसंद रहे। दोपहर का वक्त था, वालिद मोहतरम आपको अंदर ले गए थे, दरवाजे का कबाड़ बंद करके वो फिरनी का प्याला आपके करीब करके फरमाया अहमद रजा खा लो, तो आला हजरत ने फरमाया जवाब में वालिद मोहतरम का चेहरा देख के बड़े ताज्जुब से ये क्या कर रहे हैं, मेरा तो रोजा है। उन्होंने फरमाया कि बच्चों का रोजा ऐसे ही होता है, तो साथ ही फरमाया कौन सा कोई देख रहा है, तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा ने फरमाया और तो कोई नहीं देख रहा, लेकिन किस अल्लाह के लिए रखा है वो तो देख रहा है ना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बचपन में आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा का ये हाल था, जब वालिद ने सुना तो अल्लाह का शुक्र अदा किया।
आपका सिलसिला जो है हर आने वाले दिन के अंदर बढ़ता ही रहेगा बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं एक दो बातें और करना चाहता हूँ क्योंकि इत्तफाक ऐसा है कि आज शवाल मुकर्रम की 14 तारीख है और शवाल मुकर्रम की 14 तारीख जो है ये हुजूर इमाम रब्बानी मुजद्दद अल फैसानी शेख अहमद फारूकी सरहंदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पैदाइश का दिन है। इत्तफाक देखिए आला हजरत 10 शवाल को पैदा हुए, इमाम रब्बानी मुजद्दद अल फैसानी 14 शवाल को पैदा हुए। और हजरत इमाम रब्बानी का जो विसाल मुबारक है 28 सफर को हुआ है। तो चूंकि आज 14 शवाल मुकर्रम है इसलिए मैं एक दो बातें उनके हवाले से भी करना चाहता हूँ। वक्त अगरचे बहुत बीत गया, गुफ्तगू हो गई वलायत के उफक पे चमकने वाला सितारा नहीं, शेख अहमद फारूकी सरहंदी वलायत के आसमान पे चमकने वाला ये चांद नहीं बल्कि ये आसमान वलायत पर चमकने वाला आफ्ताब है और सूरज है। जिसके दामन में मेरे जैसे हजारों सितारे गुम हो जाते हैं। हजरात गौर फरमाइए, जिसका पीर और मुर्शिद उनको कहता है कि मेरे जैसे सितारे इसके दामन में एक दो नहीं हजारों गुम हो जाते हैं, वो मुरीद कैसी शान वाला हो। से मोहब्बत नहीं कोई कर सकता मगर मुत्तकी करेगा, मोमिन बंदा करेगा। कोई भुगत नहीं रख सकता मगर वो करेगा जो फाजर होगा और जो शकी बदबख्त होगा। शाहवलीला मुहद्दिस देहलवी ने ये फरमाया, हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला ने ये फरमाया। और मैं ये कह दूं आपसे, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का कलाम भी शोराए आफाक हो गया जिसमें वो कहते हैं, हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद। यहां से देख लीजिए जो लोग कहते हैं कि इकबाल हमारे ग्रुप का बंदा है, जिनका ये नजरिया है कि तुम इकबाल को अपने खाते में डाल दो, इकबाल तो हमारा है। मैंने कहा तुम्हारे नजदीक रोजा रसूल की नीयत से सफर करना हराम है। यहाँ देखो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह लाहौर से या सियालकोट से चल के सरहान शरीफ में हाजिर हुआ है और कहाँ गया, कहते हैं हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, वो खाक के ज़ेर फलक है मतला अनवार। आसमान के नीचे वो मरकज मुबारक इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल फैसानी की, वहां से अनवार का तुलू होता है। मालूम अल्लामा इकबाल को भी नजर बीना मिली थी जिससे वो अनवार पूछता हुआ देखते थे। पर फिर कहा वो मशहूर शेर, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, अल्लाह ने किया जिसको बर वक्त खबरदार, वो सरमाया इज्जत का निगेमा जिसके गर्म से है गर्मी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इंशाल्लाह उलदी किसी मौके पर मैं भाई इकबाल साहब से अर्ज करूंगा कि आपकी शाम में भी कोई प्रोग्राम रखेंगे तो जरूर इसमें भी अर्ज किया जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह तौफीक से मालामाल फरमाए। दौरान गुफ्तगू मुझसे जितनी छोटी बड़ी गलतियां सरदर्द हो गई हूँ मेरी, कब ना दानिस्तगी के तौर पर कभी दानिस्तगी के तौर पर भी हो सकता है, तो मैं अल्लाह से और अपने तमाम सुनने वालों से माफी का तलबगार हूँ। इन्हीं अल्फाज पर अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ वो आखिर दावाया। और खत्म करने से पहले पहले जितने हजरात को मैं देख रहा हूँ जिन्होंने शमूलियत इख्तियार फरमाई है, मैंने देखा अल्लामा अनवारुल हक अलवी साहब भी बीच में शामिल रहे हैं, भाई मुनव्वर साहब भी बीच में शामिल रहे हैं और भाई तारिक मलक साहब भी बीच में शामिल रहे हैं। बड़ी बड़ी हस्तियों को मैं देख रहा हूँ, तारिक जवेद साहब भी शामिल हैं, खान अली शाह वो भी वाच कर रहे हैं, बहुत सारे और जर्मनी से
पूरी दुनिया से माशाल्लाह बहुत अनीब भाई भी ज्वाइन हैं, पूरे पूरा हमारा खानदान ने, हमारे पूरी फैमिली ने ज्वाइन किया है पूरा। हमारे साथी बैठे हैं, उन्होंने एक सवाल मेरे सामने रखा है कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम मोहम्मद रजा के नजदीक काबा अफजल है या रोजा रसूल अफजल है। अभी ये सवाल मेरे सामने रख दिया है तो मैं इसका जवाब भी आपको देना चाहता हूं। सुभान अल्लाह, एक तो बैतुल मदीना शरीफ और मक्का शरीफ को सामने रखते हुए आला हजरत का जो शेर है जिसमें वो फरमाते हैं कि तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिर, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात सही अफजल। ये अंदाज देखिए, तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिर, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई। फिर आलाशियर जो मदीना शरीफ को मुखातब करके कहते हैं मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, सुभान अल्लाह, फकीरों के ठहराने वाले, सुभान अल्लाह, सरकार को मुखातब करके कहते तू जिंदा है वल्ला, जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। सवाल ये हुआ है कि रोजा रसूल अफजल है या बैतुल्ला शरीफ अफजल है। अरे भाई आपने सुना नहीं, थोड़ी देर पहले हमने क्या कहा था, आला फरमाते हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का भी काबा देखो। सुभान अल्लाह, ये जो मलफूज शरीफ के अंदर मुफ्ती आजम हिंद ने आपसे सवाल किया था, उन्होंने पूछा था ये रोजा रसूल अफजल है ये बैतुल्ला शरीफ अफजल है, आपने फरमाया रोजा रसूल अफजल है। और सही नजरिए में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन मुबारक को जो खाक के जर्रे छू रहे हैं, जो आपकी बरकत मुबारक की जो मट्टी मुबारक है, अहले सुन्नत के नजरिए के मुताबिक वो अर्श आला से भी अफजल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये नजरिया अहले सुन्नत है, आप अंदाजा लगाइए फिर क्या है। सुभान अल्लाह, इमाम अहले सुन्नत इमाम मोहम्मद रजा रहमतुल्लाह तआला अलैह जो है वो सरकार की मोहब्बत को हर शय की असल करार देते हैं, बकिया नमाज को, रोजे को, हज को, जकात को अफरा करार देते हैं। वो जो आपका मशहूर है ना जिसमें वो कहते हैं मौला अली ने बारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी असर जो सबसे आला खतर की है, बाकी सारी चीजें जो है वो फरा। तौफीक अता फरमाए। मैं फिर एक मरतबा कहता हूँ दौरान गुफ्तगू मुझसे कुछ छोटी बड़ी खता हुई हो उसके लिए माफी का तलबगार हूँ। भाई इकबाल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, हजरत कौचर चीसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, असगर चीसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम सुनने वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। वाखिर दावा अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हजरत आपकी तरफ आप दुआ भी कर दें हमारे लिए प्लीज, हजरत प्लीज दुआ कर दें प्लीज। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إلهي اس وقت روئے زمین پر तेरी मखलूक के लिए इस वायरस की वजह से बहुत परेशानी है, सवाए तेरे कर्म के इसका कोई मदावा नहीं कर सकता। इलाही अपने कर्म से, अपने फजल से, अपनी रहमत से इस वायरस से हमारी जान छुड़ा दे। इलाही हमारी जान बख्शी अता फरमा। आमीन। इलाही बहुत बड़ी इत्तला है, बहुत बड़ी आजमाइश है, तुझे अपनी मखलूक से बड़ा प्यार है, तेरी मखलूक से जो प्यार करे तू उससे भी प्यार करा। बारगाह में अर्ज करते अपनी रहमत का मरहम अता फरमा, मुंदमिल करने के लिए काफी हो जाए। हमारी सोचें, हमारी तदबीरें सब नाकाम हो चुकी, सबकी निगाहें तेरे कर्म पे हैं। इलाही अपने कर्म से इस आजमाइश से हमको सुरखुरू फरमा, इलाही हमें से माफी अता फरमा, हमसे जो खताएं सरदार की उनकी माफी अता फरमा। इलाही अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका अहले सुन्नत का बोलबाला फरमा, करोड़ रहमत नाजिल फरमा। हुज़ूर मुजद्दिद अल फ़िसानी का तज़किरा आया है,
इलाही उनके मदारे पर बात पर करोड़ रहमत नाजिल फरमा, हमारी दुआ को कबूल फरमा, साथ में खैर फरमा, सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व आलिहि व सहाबी अजमईन बिरहमत। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया, जजाकल्ला हजरत, जजाकल्ला। इकबाल भाई जी, जजाकल्ला। फरमाइश आ रही है उनके कलाम की, अभी हम साथ ऐसा मिनट जी। हाँ, चमक तो से पाते हैं आने वाले, चमक से पाते हैं सामने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सामने वाले, मदीने कहते खुदा तुझको रखे, मदीने कहते खुदा तुझको रखे, गरीबों को फकीरों को रखे वाले, तू जिंदा है वल्ला, तेरे चश्मे आलम से छोप जाने वाला, सुभान अल्लाह, तेरे चश्मे से छुप जाने वाले, तेरा तेरे गुलाम से तुमने देखे चंद रानी वाले, तेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, तेरा दिल चमका दे चमकाने, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत चिश्ती साहब, इंशाल्लाह अभी ये अपने क्या कहते हैं मगरिब का भी टाइम तो अभी आधे घंटा है ना, अभी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आप ज्वाइन हुए, और मैं हज़रत मौलाना अल्लामा मुफ्ती अंसरुल कादरी साहब का, मुफ्ती अंसरुल कादरी साहब का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने भी अपना वक्त निकाल के इस प्रोग्राम में आए, और अल्लाह हज़रत के बारे में जो बयान करते हैं, आई डोंट थिंक एनीबडी हैज डन इट अप टिल नाउ, मैंने कभी सुना ही नहीं जो इनके जैसा बयान, जो करते माशाल्लाह, इनका जो नॉलेज है, उनके जो यू नो हदीस और जो रेफरेंसेस, नोबडी, आई हैवंट सीन एनीबडी लाइक दिस, माशाल्लाह। अल्लाह पाक उनकी उम्र में उनके सलामत रखे और उनको भी माशाल्लाह इस प्रोग्राम में ज्वाइन किया, अल्लाह का जी।
की भरती है झोलियां सबकी भरती है झोलियां बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह या मोइन हक मोइन सुभान अल्लाह सुभान मेरे ख्वाजा आए रसूल है मेरा ख्वाजा अताए रसूल है वो बहारे चिश्त का फूल है वो बहारे चिश्त का फूल है वो बहारे गुलशन फातिमा बहारे माशाल्लाह माशाल्लाह असगर चिश्ती साहब अल्लाह पाक आपको सलामत रखे पूरी आपकी फैमिली को भी आपने बहुत टाइम दिया आज और वेल भी आ चुके हैं हमारी महफिल में और आप इंशाल्लाह मौका मिला तो बार बार अपने मुलाकात होगी अल्लाह पाक आपको इसका अजर आमीन आमीन और सब को मेरी और देखने वाले सभी मेरे जो दोस्त फ्रेंड्स रिलेटिव्स और जो
जानने वाले हैं और जिन जिन ने इस प्रोग्राम को देखा और आगे भी देखेंगे उन सबको भी बहुत बहुत दिल से शुक्रगुजार हूं। हमारे अफजल भाई भी अभी बहुत लेट ज्वाइन हुए, हमारे ज्वाइन हुए, चलो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। हां तारिक जावेद साहब का भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, उस्मान शाह साहब भी, मेरे भाई हनीफ जी, भाई सफी भाई और मेरा भाई मुन्ना और मेरी सिस्टर दिलसाजरा और पाकिस्तान की सैयद इजाज शाह साहब कर रहे थे सलाम बार-बार देख रहे सुभान अल्लाह। फैसलाबाद से बड़ा से काफी इट इज वेरी लाइक यू नो बहुत रूहानी महफिल थी, अल्लाह पाक बस उसको कबूल मंजूर फरमाए और इसी के सदके हमारे भी और हम जाने अनजाने में हमसे भी जो कोई भूल चुक हुई तो माफ फरमाए। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, जजाकल्लाह, अल्लाह हाफिज, सबको सलाम, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अलैका व सहाबिका या हबीबल्लाह।